जिंदगी भर से बुद्धिहीन हो तो और कोई काम है, पहले पर खड़ा होकर बता देना चाहिए कि हम पादे हैं, आपको भैंस मिल जाता। आप तो मुदब्बर हैं, हमेशा वो दस कट्ठा आपका जो नहीं रहता है, एक जगह 25 लीटर भैंस मिल भी रहा था तो वहाँ बैठ करके हारमोनिया बजा रहे थे, हरकीर्तन कर रहे थे, बताए काहे नहीं। अब औरतन की आदत बड़ी खराब होता है, अभी बात का प्रचार जब औरत बाहर भीतर जाए तो एक औरत दूसरे औरत से कहे कि बहनी देखा ना राजो के दरबार में निर्वंशा सरासर अन्याय है, बड़ा बताओ पदना हमारे ना भैंस निर्वंशा खड़ा होके ले लिया। दूसरे दिन आई ना अड़ल सरल टमाटर खिलाई अपना पति को, बैगन टमाटर खूब सरल सरल पाकल जितना था ना सब्जी मार्केट में, कहे गया बोलिए ऐसा पति है निर्वंशु राजा के कान तक आवाज जाए कि कौन पादा है, पादे में कमजोरी न करी है। अन्यथा आज के बाद तलाक पक्का है, अब उस सरल पागल खा लिया गैस गोबर गैस के नियर बनल था, वो गया राजा के दरबार में बैठा जैसे ही तैसे पंडित जी के संघ के पढ़ 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 चालू जब किया तो एक मिनट तक गैस निकलते रहे एकदम, राजा का कौन बदतमीज आ गया पाद रहा है भाई, तब मुंह सहते हुए खड़ा हुआ बोला राजा साहेब अगला बार हम ही पादे थे और इस बार हम ही पादे हैं, लाइए 25 लीटर जल्दी से दूध वाली भैंस। राजा का लाओ तो लाठी रे, 8-10 लाठी मारा उसको, दोनों ने एक ही बात बोला था, बड़ा ने भी वही बात बोला था कि राजा साहब हमसे ये गलती हो गई, और छोटा वाला भी वही बात बोल रहा कि राजा साहब हमने पादा है, लेकिन एक को मिली इनाम में 25 लीटर की भैंस और एक को मिला 25 गो कोड़ा। तो ऐसी पानी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो, केवट ऐसा भक्त है, ऐसा मधुर वाणी भगवान से बोलता है कि भगवान भी इसकी वाणी के फेर में फंस जाते हैं। मागी नावन केवट आना कही तुम्हार मरम में जाना, भगवान ने कहा कि हमें नाव दो, केवट ने कहा कि नहीं मैं आपका मरम जानता हूं, सज्जनों कर्तव्य ही केवट है, नियम ही नौका है, कर्तव्य रूपी केवट के द्वारा नियम रूपी नौका पर राम नाम को चढ़ा कर कहीं भवसागर से पार उतरा जा सकता है। तो भगवान राम बोले क्यों नहीं दोगे, बोले तुम्हारा आपका मरम मैं जानता हूं भगवान, बोले क्या मरम जानते हो, बोले एक बार आपने अहिल्या को छू दिया तो वो नारी हो गई थी, और कहीं हमर अगर नाय को छू दिए छू छू स्पर्श कर दीजिएगा तो ये भी नारी बन जाएगी, तो एक नारी है तो माथा ऐसे फैले है, दो गो नारी हो जाएगी तो तमर जाने चल जाएगा, इसलिए भगवान मैं इसको छूने नहीं दूंगा, आपके चरण कमल को इस पे आने नहीं दूंगा, चरण कमल रज कहो सब कोई मानुष करनी मूरी कछ होई, चरण कमल में आपको मनुष्य बनाने की कोई जड़ी है, आप जिसको छू लेते हैं अपने चरण से ना वह मनुष्य हो जाता है। सज्जनों मनुष्य केवट कोई गलत नहीं कह रहा, केवट बड़ा सही कह रहा है कि जब तक आपको आपके हृदय में उन प्रभु का चरण नहीं आया तब तक आप मनुष्य है ही नहीं, आप क्या हैं तुलसी राम भजन बिन चारो वरन चमा, यानी वह प्रभु का भजन करके जब वह चरण हृदय में आ जाए तभी आप मनुष्य बनेंगे। ये केवट भी कह रहा है प्रभु आपके चरण में मनुष्य बनाने की बूटी लिपटी हुई है, यानी अगर मनुष्य आपको बनना है तो प्रभु के चरण को अंदर लाइए, तब नहीं तो आप पत्थर हैं। हम एक प्रतिमा को मंदिर में रखते हैं उसको भगवान बना देते हैं, लेकिन हम उसी मंदिर में जाके अपने पत्थर बन जाते हैं, यानी हम अपनी इंसानियत को खत्म कर देते हैं। वह पत्थर तो भगवान बन गया लेकिन यह साक्षात भगवान जो है पत्थर बन गया।
इसलिए वो कह रहा है कि पत्थर को भी आप नारी बना देते हैं, यानी चित्त की वृत्ति ही नारी है। भगवान जब अपना चरण रज दे देंगे तो ये चित्त जो हमारा जड़वत हो गया है, हमारा जो चित्त में भगवान होना चाहिए वह जड़ हो गया है, तो उस जड़वत अहिल्या को भगवान ने गौतम, जो इंद्रियों के तम में डूबा हुआ है, गौतम तम माने अंधेरा, तो ऐसे महापुरुष अहिल्या जड़ है, अहिल्या जड़ता का प्रतीक है, और उनको भगवान मनुष्य बनाते हैं। तो कहता है कि प्रभु आपको नाव पर नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि अगर कहीं ऐसा हो गया तो गलत हो जाएगा। उसका उद्देश्य यह नहीं था कि भगवान मेरी नाव पर नहीं चढ़े, इतना वो घुमा के भगवान को एक ही बात कहना चाह रहा है कि कैसा हूं प्रभु इस चरणिया के एक बार धो ले, कैसे आपके चरण को कि जिस चरण से गंगा जी निकली है, जिस चरण से सिद्ध मुनि योगी ध्यान करके तर जाते हैं, वो चरणिया तो हम नैया पर पड़पे करेगा, लेकिन कैसे हूं हम इसको धो ले। तो उदाहरण देता है कि क्यों नहीं चढ़ने देंगे, तो यही प्रतिपालहु सब परिवारु अनहि जानहु कछु और कबारु। कबारु माने भोजन होता है, गाय को देते हैं, कहते कबार दिया गाय को खाने के लिए, कबारु माने भोजन। कहता प्रभु मेरे भोजन का, मेरे यानी आत्मा के भोजन का एक ही साधन है, यह मेरा नियम रूपी नौका जिस पर हम नाम को जपते हैं, यानी नियम से भगवान का भजन करेंगे तो आत्मा का भोजन मिलेगा। इन्हें एक दिन खूब 10 घंटा भजन किए और एक दिन पता लगा कि फुर्सत ही नहीं है, नियम से हम उस भगवान का भजन करें, तो भगवान बेचारे उसके मधुर वचन को समझ रहे थे। फिर कहता है, सोचा कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, तो फिर मिलाने वाला बात बोलता है, कभी ऐसा बात बोलता है कि नाराज हो जाए, कभी ऐसा बात बोलता है कि नाराज न हो। तो कहता है कि जाओ प्रभु पार अवसिगा चहूं अमोहि पद पदुम पखारन कहूं। हे भगवान, अगर आप पार जाना चाहते हैं तो बस एक ही शर्त है कि इस अधम को भी, इस केवट को भी अपना चरण पखारने के लिए कहिए, क्योंकि आप में चरण में मानुष बनाने की जड़ी लगती है, उसको मैं धो दूंगा। अकारा के अगर नहीं करिएगा ना, तो पद कमल धोई चढ़ाई नामन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ बचन सब साची कहो बरु तीर मारही लखन पर जब लगिन पाय पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हो। कह दिया कि भाई लक्ष्मण के दोनों बाण मारेंगे ना, लेकिन हे भगवान जब तक चरण न धोएंगे तब तक हम पार उतारेंगे नहीं, यानी ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी के भय से हम आपको पार उतारेंगे। सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणाएन चितई जान की लखन तन। सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट के बहन जो प्रेम में सने हुए, पकौड़ी छानते हैं तो बेसन में सान के न छानते हैं, तो जितना उसका वचन था वह प्रेम रूपी बेसन में छना हुआ था। भगवान हंसे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेही तव नावन जाई बेगुआनु जल पाय पखारो होत विलंबन पार उतारू।
भगवान ने कहा जो तुमको जो अच्छा लगे करो, लेकिन हमको जल्दी करो। तब जासु नाम सुमिरत एक बारा। अब